पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में पारा 52 डिग्री सेल्सियस के पार लगातार बना हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो के सामने 2022 में आई बाढ़ के बाद अब भीषण गर्मी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हीट वेव के चलते मोहनजोदड़ो में लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के मौसम विभाग ने तो आने वाले दिनों में कम से कम 4 डिग्री पारा और बढ़ने का अनुमान जाहिर किया है। आज हम आपको बताएंगे कि मोहनजोदड़ो जो इस वक्त तप रहा है, आखिरकार इस तपिश की वजह क्या है, इतना गर्म क्यों है मोहनजोदड़ो। दरअसल ईसा से 2500 साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता के इस शहर में आमतौर पर ज़्यादा गर्मी, हल्की सर्दी और कम बारिश होती है। इससे पहले मोहनजोदड़ो में साल 2017 में सबसे ज़्यादा 54 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा चुका है। मोहनजोदड़ो में जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी लगातार बढ़ रही है। मोहनजोदड़ो के खत्म होने को लेकर सूखा और जल प्रलय को संभावित कारण बताया जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन को ही माना जाता रहा है और अब तेज गर्मी पड़ रही है। इतिहासकार पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो को कैसे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वो क्या मान रहे हैं, वो आप देखिए। जो सभ्यताएं, जो सिविलाइजेशन हिस्ट्री से सीखती नहीं, उनको इतिहास दोहराता है और खुद उनको विनाश का सामना करना पड़ता है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा, जो आजकल इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, दिल्ली के अंदर पारा 50 के ऊपर जा चुका है, तो उस संबंध में मैं बोलना चाहूँगा कि भारत देश के अंदर जो सबसे महान सभ्यता दुनिया की एक हुई है वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी महान सभ्यता थी कि आपको जानकर ताजुब होगा कि करीब 65% आज जो आपके समाज में फैसिलिटीज हैं ऑलमोस्ट वो 5000 साल पहले उस सभ्यता के अंदर मौजूद थी। और यहाँ तक कि आर्ट और कल्चर भी इतना था, हर लेवल पे था कि अगर आप उनकी चार्जिंग बुल को देखें तो देखेंगे कि किस लेवल का आर्ट और कल्चर था वहाँ पर। पर वो सभ्यता अचानक गायब हो गई, ख़त्म हो गई। इसका रीज़न तमाम इतिहासकार अलग अलग ढंग से लगाते हैं, पर अधिकतर इतिहासकार इस बात को मान के चलते हैं कि इट वॉज ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, ये जलवायु परिवर्तन के वजह से हुआ था। जो सरस्वती रिवर थी उसकी वो सूख गई धीरे धीरे। इसके अलावा ये भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बहुत बाढ़ आई जिसकी वजह से लोग उसको छोड़ के चले गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बारिश होनी बंद हो गई थी, इस वजह से हो गया था। पर क्लाइमेटिक रीजन एक बहुत बड़ा रीजन था जिस माना जाता है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डेवलप सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई है 5000 साल पुरानी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने स्वयं इस बात को जानने की कोशिश नहीं करी कि कहीं ये क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं वो हमारे खुद मानव समाज के खुद के लालच की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, नदियों को ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं इस वजह से तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो हमें फौरन उसको रोकना चाहिए, वरना शायद हम लोगों को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरीके से एक विनाशकारी स्थिति में